अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कुक विद पायल। आज हम बनाएंगे सर्दियों के मौसम की खास रेसिपी, हल्दी की सब्जी। और ये किसको पसंद नहीं होती, इसमें बहुत से हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं और ये एंटीबायोटिक होती है। सर्दी के मौसम में इसको कम से कम 4 से 5 बार खा ही लेनी चाहिए और ये अपने पेट के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए, स्किन के लिए बहुत लाभदायक होती है। तो आइए देखते हैं आज हमने क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लिए हैं इसके लिए। इसके लिए मैंने 250 ग्राम हल्दी ली है, 250 ग्राम दही लिया है, 250 ग्राम मटर लिया है, 250 ग्राम टमाटर लिया है और 250 ग्राम घी लिया है, 3 बड़े प्याज, 2 हरी मिर्च, लहसुन और अदरक लिए। अगर आपको दूसरी और कोई सब्जी पसंद हो तो वो भी आप इसमें ले सकते हैं। अगर आपको गोभी पसंद हो तो आप 250 ग्राम गोभी भी ऐड कर सकते हैं। मैंने 2 चम्मच लाल मिर्च, 2 चम्मच धनिया पाउडर, नमक स्वाद अनुसार और तड़के के लिए राई, जीरा, लौंग, काली मिर्च, तेज पत्ता और हींग ले ली है। अब हमने हल्दी को यहाँ कद्दूकस कर लिया है, टमाटर का पेस्ट बना लिया है, प्याज, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक का भी पेस्ट बना लिया है। तो पहले हम कढ़ाई में घी गर्म करेंगे। घी गर्म हो गया है, अब हम इसमें राई, जीरा, हींग, काली मिर्च, लौंग का तड़का लगाएंगे। राई चटक गई है, अब हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे। मीडियम फ्लेम पर चलाते रहेंगे ताकि हल्दी नीचे लगे ना। हमने यहाँ पर नॉनस्टिक पैन लिया है। अगर आपके पास सादी कढ़ाई है या आप सादा कोई बर्तन यूज़ कर रहे हैं तो उसमें हल्दी बहुत ज़्यादा चिपकेगी, तो आपको हल्दी को लगातार चलाते रहना है। 20 से 25 मिनट हो गए हैं, हल्दी हमारी पक गई है, घी भी सेपरेट हो गया है। अब हम इसमें प्याज, लहसुन, अदरक वाला पेस्ट डालेंगे और इसे 4 से 5 मिनट तक अच्छा पकने देंगे। अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर को हमें 5 से 7 मिनट तक अच्छे से पकाना है। अगर टमाटर को हमने अच्छे से नहीं पकाया तो ये हल्दी की सब्जी का टेस्ट बिगाड़ सकता है। अब इसमें मटर और जो मसाले हमने लिए थे उन्हें एक एक करके हम इसमें मिला देंगे। अब मटर और मसाले को तब तक पकाना है जब तक कि घी ऊपर नहीं आ जाता। घी ऊपर आ गया है, मटर भी पक गए, अब बारी है दही डालने की। अब गैस की फ्लेम तेज करेंगे, उसके बाद हम इसमें दही डालेंगे। दही को डालते ही हमें इसे लगातार चलाना है, नहीं तो दही हमारा फट जाएगा और सब्जी हमारी बिगड़ सकती है, इसीलिए हमें इसकी फ्लेम तेज ही रखनी होगी। दही सब्जी का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है। हल्दी में बहुत सारे अच्छाइयाँ थे, बहुत सारे दुष्प्रभाव भी है, उसको रोकने के लिए दही इसमें ऐड किया जाता है। 5 मिनट हो गए हैं, अब हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब हमारी हल्दी की सब्जी बनकर तैयार हो गई है। आप इसे मक्की की रोटी, गेहूँ की रोटी, बाजरे की रोटी या खोबा रोटी के साथ खाइए।